आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे जबरदस्त टॉप 10 माइंड बेंडिंग मूवीज के बारे में बताऊंगा जो आपके दिमाग को हिला कर रख देगी। हाँ दोस्तों, इन मूवीज इतनी माइंड ब्लोइंग है कि कुछ दिनों तक आप इन मूवीज को अपने दिमाग से उतार ही नहीं पाएंगे। तो आज की इन टॉप 10 लिस्ट हिंदी एंड इंग्लिश में मिक्स होने वाली है, तो आप अपने हिसाब से इन मूवीज को देख सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक कमेंट कर देना, एंड ऐसी अमेजिंग मूवीज के लिस्ट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो विदाउट एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। नंबर 10 इनिमी 2013। यह एक थ्रिलर मिस्ट्री मूवी है जिसमें एक कॉलेज प्रोफेसर एडम की कहानी दिखाई गई है। उसको एक दिन एक मूवी एक्टर दिखाई देता है जो एग्जैक्टली उसी की तरह ही दिखता है। उसे स्पॉट करने के बाद से एडम के दिमाग में कुछ और ख्याल आने लगता है और वो अपने डुप्लीकेट को ट्रैक डाउन करना शुरू कर देता है और सेकेंडली उसी का ही लाइफ जीना शुरू कर देता है। लेकिन उसका ऐसा करना एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को जन्म दे देती है जिसे आप इस मूवी के अंदर देख सकते हैं। मूवी बहुत ही मिस्टीरियस एंड थ्रिल से भरपूर है। 6.9 की रेटिंग है इस मूवी की IMDb पर। नंबर 9 अराइवल 2016। ये एक साइफाई थ्रिलर मूवी है जिसकी एंडिंग आपको चौंका सकती है। मूवी के अंदर दुनिया के अलग अलग भाषाओं के एक्सपर्ट लुइस बैंक्स की कहानी दिखाई गई है जो प्रोफेशन से एक टीचर है और वह अपने मरे हुए बेटी की गम में खोई रहती है। एक दिन पृथ्वी पर मिस्टीरियस एलियंस स्पेसशिप लैंड करता है, लेकिन दुनिया में किसी को भी उन एलियंस के कोड लैंग्वेज समझ में नहीं आता। इसी वजह से अमेरिकन गवर्नमेंट लुइस को एक टीम के साथ एलियंस स्पेसशिप पर भेजती है उनसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए और वह एलियंस के कोड लैंग्वेज का मतलब ढूंढना शुरू कर देती है। लेकिन जब आपको एलियंस के उन मैसेज का मतलब समझ में आएगा आप हैरान हो जाएंगे। इससे आगे मैं और नहीं बता सकता, नहीं तो आपको स्पॉइलर मिल सकती है। तो आप इस मूवी को जरूर देखें। 7.9 की रेटिंग है इस मूवी की IMDb पर। नंबर 8 स्प्लिट 2016। इस मूवी के बारे में क्या ही बताएं। इस मूवी की ट्विस्ट एंड थ्रिल आपको हैरान कर सकता है। मूवी के अंदर केविन नाम का एक शख्स की कहानी दिखाई गई है जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से पीड़ित है। उसके पास 23 अलग अलग इमोशंस होती है। किस वक्त वो कौन सा पर्सनैलिटी अपना ले कोई नहीं कह सकता। उसने 3 टीनेजर्स का अपहरण कर लेता है और अब उन तीनों को केविन की फ्रेंडली पर्सोनास को फिगर आउट करना पड़ेगा इससे पहले वो 24th पर्सनैलिटी को अपना ले। मूवी को IMDb पर 7.3 की रेटिंग मिली है। नंबर 7 डोनी डार्को 2001। ये एक मिस्ट्री साईफाई मूवी है जो बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। मूवी के अंदर एक टीनेजर की कहानी दिखाई गई है जो एक बिजार एक्सीडेंट से सरवाइव करता है जिसके बाद उसे एक रैबिट सूट पहने वाला एक आदमी दिखाई देने लगता है और वह उससे मैनिपुलेट्स करना शुरू कर देता है क्राइम करने के लिए और वो टीनेजर एक के बाद एक क्राइम करना शुरू कर देता है। उस रैबिट सूट वाले आदमी ने उसे कहता है नेक्स्ट 28 डेज 6 आवर्स 42 मिनट्स एंड 12 सेकंड्स के अंदर यह दुनिया खत्म हो जाएगी। इस मूवी को आप मिस ना करें। 8 out of 10 की रेटिंग है इस मूवी की IMDb पर। नंबर 6 वेनिला स्काई 2001। ये एक साईफाई थ्रिलर मूवी है जो बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। इस मूवी के अंदर एक पब्लिशिंग मैग्नेट डेविड एमास की कहानी दिखाई गई है जो एक कार क्रैश की विक्टिम बन जाता है। उस बिजार एक्सीडेंट की वजह से उसके फेस पर स्कार्स आ जाती है, लेकिन इस इंसिडेंट ने उसे कम्प्लीटली चेंज कर देती है और वह उसे अपने लाइफ की मौजूदा रियलिटी पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर देती है। अब वो आगे क्या करता है जानने के लिए मूवी जरूर देखें। 6.9 की रेटिंग है इस मूवी की IMDb पर। नंबर 5 मिरर 2018। ये मूवी आपके माइंड को ब्लॉ कर देगी। एक बच्चा होता है जो एक तूफानी रात में अपने पड़ोसी की मर्डर होते हुए देखता है और वो उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन तेजी से आई हुई एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार देती है और वो मर जाता है। 25 साल बाद उसी लड़के के घर में एक औरत रहने आती है। उसे उस बच्चे की वीडियो टेप मिलता है और जब वो टेप देखने लगती है तो एक भयंकर तूफान आ जाता है और वो उस बच्चे के साथ बात करने लगती है। उस तूफान ने दोनों के टाइमलाइन को जोड़ देता है। वो औरत अगले दिन एक हॉस्पिटल में जागती है और उसे पता चलता है वो एक पैरेलल टाइमलाइन में है और अब उसके पास 72 घंटे का टाइम है अपने रियल टाइम में लौटने के लिए और इसके पीछे के सारे मिस्ट्री का पता लगाने के लिए। अब आप भी मूवी देखकर इस मूवी की मिस्ट्री का पता लगाओ। 7.4 की रेटिंग है मूवी की IMDb पर। नंबर 4 द रूम 2019। मूवी के अंदर एक कपल मैट और केट की कहानी दिखाई गई है जो एक आइसोलेटेड हाउस को बाय करते हैं। जब वे उस घर में रहने के लिए चले जाते हैं तब उन्हें उस घर में एक स्ट्रेंज सेक्रेट रूम मिलती है और यह रूम आपके अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ मटेरियल विशेस को पूरा कर सकता है। यह रूम आपको वह दे सकता है जो आप रियलिटी में चाहते हैं। उन्होंने विश मांगना स्टार्ट कर देते हैं, मिलियन डॉलर्स, लग्जरियस आउटफिट्स और क्या कुछ। एक दिन केट डिसाइड करती है वह अपने लिए उस रूम से एक बच्चा मांगेंगे, लेकिन उनका हैप्पीनेस बहुत ही जल्द अनफोर्सिन कॉन्सिक्वेंसेस में बदल जाती है और उन्हें यह एहसास भी नहीं होता वह जो कुछ मांग रहे इसका एक कीमत है जो उनको चुकानी है। आगे की स्टोरी आपको चौंका सकता है। 6 out of 10 की रेटिंग के मूवी की IMDb पर। नंबर 3 एग्जाम 2009। एक बहुत ही अमेजिंग साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है जिसमें 8 कैंडिडेट्स की कहानी दिखाई गई है जो एक हाईली डिजायरेबल कॉर्पोरेट कंपनी में ज्वाइन करने की फाइनल स्टेज पर पहुंच जाते हैं और अब उन्हें एक फाइनल एग्जाम देना है। वो एक विंडोलेस रूम में एंटर करते हैं और वहाँ उन्हें 80 मिनट्स दी जाती है एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए और उन्हें 3 रूल्स दी जाती है। पहले तो बात ना करना, दूसरा अपने पेपर्स को स्पॉइल ना करें और तीसरा रूल है इस रूम से बाहर ना जाए। जब वो कैंडिडेट्स पेपर्स ओपन करते हैं तो वो ब्लैंक होता है। वो सारे कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं उन्हें क्या लिखना है, क्वेश्चन क्या है।
कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है टेंशन और भी बढ़ने लगती है और साथ में फ्रस्ट्रेशन। क्या है सारा मिस्ट्री जानने के लिए आपको मूवी देखना पड़ेगा। 6.8 की रेटिंग है इस मूवी के IMDb पर। नंबर 2 ट्रायंगल 2009। मूवी के अंदर एक ट्रबल यंग वोमेन जेस की कहानी दिखाई गई है जो अपने दोस्तों के एक ग्रुप के साथ समुद्रों में एक बोट पर रवाना होती है। वो इस फीलिंग से उबर नहीं पाती है कि कुछ गलत होने वाला है और उसका ये भावना सही साबित हो जाती है जब एक तूफान उनके बोट को डुबा देती है और उन्हें समुद्रों में एक जहाज मिलता है और वह सारे उसमें चढ़ जाते हैं। जहाज पर चढ़ने के बाद से जेस को यकीन होने लगता है वो पहले भी इस जहाज पर आ चुकी है। जहाज पूरा सुनसान है लेकिन ऐसा लगता है वो यहाँ पर अकेले नहीं है, कोई उन्हें एक एक करके शिकार कर रहा है। अब इससे आगे की कहानी कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। आप इस मूवी को देखें आपका मिस्ट्री का पता चल जाएगा। 6.9 की रेटिंग है मूवी की IMDb पर। नंबर 1 12 मंकीज 1995। मूवी के अंदर एक फ्यूचर वर्ल्ड की कहानी दिखाई गई है जो एक खतरनाक जानलेवा वायरस के चपेट में है। इस वायरस इतने खतरनाक है कि ह्यूमन पॉपुलेशन को इस प्लेनेट से ऑलमोस्ट वाइप्ड आउट कर चुकी है। इस वायरस के ओरिजिन का पता लगाने के लिए कॉन्विक्ट को समय में पीछे भेजा जाता है और वह जब टाइम में पीछे जाता है तो उसे इस आउटब्रेक होलोकॉस्ट के ऐसी मिस्ट्री का पता चलता है जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। 8/10 की रेटिंग है इस मूवी की IMDb पर। तो यह था आज का हमारे टॉप 10 माइंड बेंडर मूवीज़ के लिस्ट। होगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट कर देना और आने वाली ऐसी अमेजिंग मूवीज़ के लिस्ट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए गुड डे।